बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे महिलाओं के लिए अच्छी खुशखबरी आई है, क्योंकि बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए वैकेंसी निकाली और यह वैकेंसी काउंसलर पद के लिए निकली है। अब जो भी महिलाएं नौकरी की तलाश कर रही थी, अब वो आसानी से नौकरी पा सकती हैं। किस प्रकार से यह प्रक्रिया होगी, किन किन पदों के लिए वैकेंसी निकली है और इसकी लास्ट डेट क्या है, इन सब की जानकारी इस वीडियो में हम आपको आगे विस्तार से बताते हैं। दरअसल WCDC यानी सोशल वेलफेयर ने आधिकारिक वेबसाइट पर महिला एवं बाल विकास निगम के लिए बम्पर भर्तियां निकाली है। यह भर्तियां काउंसलर पद के लिए निकली है। इसमें वे कैंडिडेट्स जो इन पदों के लिए आवेदन करने के योग्य और इच्छुक हैं, वे महिला एवं बाल विकास निगम के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर केवल ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए बिहार WDC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा। आपको बता दें कि बिहार के समाज कल्याण विभाग महिला एवं बाल विकास निगम में निकली इन भर्तियों के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 7 जून 2022 तक है। इस WCDC के माध्यम से कुल 2013 पदों पर भर्तियां की जाएगी। वहीं काउंसलर पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट के पास साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या लॉ में बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम 2 साल काम करने का अनुभव भी जरूरी है। आपको बता दें कि बिहार WDC के काउंसलर पदों पर आवेदन के लिए महिला उम्मीदवार ही पात्र हैं। इनकी अधिकतम आयु सीमा 40 साल तक तय की गई है। SC/ST कैटेगरी के लिए आयु सीमा 42 साल दी गई है। वहीं इन पदों पर चयन 3 चरणों को पार करने के बाद होगा। ये 3 चरण लिखित परीक्षा जो CBT मोड में हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू भी हो सकता है। चयनित होने पर कैंडिडेट्स को महीने के 15,000 रुपये सैलरी मिलेगी। आपको बता दें कि काउंसलर के लिए कुल पद 213 दिए गए हैं, जनरल कैटेगरी के लिए 84 पद दिए गए हैं, EWAC के लिए 21 पद हैं, BC के लिए 26 पद और EBC के 38 पद, SC के लिए 35 पद, ST के लिए 3 पद और BC के लिए 6 पद दिए गए हैं। ये केवल महिलाओं के लिए ही आरक्षित है। तो इस वीडियो में हमने आपको विस्तार से बताया कि किस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं और इसके आधिकारिक वेबसाइट पे जाके, और इस पे कितनी रिक्त पदे हैं और इसकी लास्ट डेट क्या है, इन सब की जानकारी हमने आपको विस्तार से बताया। तो कह सकते हैं कि बिहार सरकार की तरफ से महिलाओं को अच्छी खुशखबरी मिली है। अब महिलाएँ जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रही थी, उनके लिए अच्छा मौका मिला है। अब काउंसलर पद के लिए वो आवेदन कर सकती हैं और अपनी मनचाहे नौकरी पा सकती हैं। तो इस आज के लिए फिलहाल इतना ही। इस वीडियो में आगे बने रहने के लिए और देखते रहे द इंडिया टॉप। धन्यवाद।